हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग मूवी रिव्यूज ब्लॉग। सो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डीसी की लेटेस्ट फिल्म ब्लैक एडम का, स्टारिंग ड्वेन जॉनसन इन द लीड रोल। ये ड्वेन जॉनसन की पहली सुपर हीरो मूवी है, लेकिन अगर आप उनकी बाकी फिल्म्स भी देखते हो तो उनका करेक्टर जो होता है कहीं ना कहीं सुपर हीरो टाइप का ही करेक्टर होता है। वो भले ही एक्शन फिल्म हो, एडवेंचर फिल्म हो, करेक्टर ऐसा ही लगता है। सो फाइनली ही बिकम्स अ सुपर हीरो। DCEU, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में बात करें, स्टार्टिंग हुई थी मैन ऑफ स्टील से। मैन ऑफ स्टील एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसका रिसेप्शन उतना खास रहा नहीं था। ओवर द ईयर्स फिल्म की जो फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी बन चुकी है, लेकिन मैन ऑफ स्टील के बाद आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, एंड उस फिल्म की हाइप इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब क्या ही बताऊँ। उस फिल्म का जो ओपनिंग वीकेंड था वन ऑफ द बिगेस्ट एवर था वो, लेकिन क्या हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिला वो बेकार निकला। तो कहीं ना कहीं उसके चलते फिल्म का ड्रॉप जो आया वो इतना बड़ा ड्रॉप आया। बाद में इसका एक्सटेंडेड कट रिलीज हुआ जो कि एक अच्छा वर्जन था फिल्म का, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका था थिएट्रिकल रिलीज से। उसके बाद आई DCU की वर्स्ट फिल्म जस्टिस लीग। मतलब वो फिल्म तो क्या ही सोच के बनाई गई थी, उसको फाइनल उसको जैसे कंप्लीट किया गया था। मतलब वो प्रोडक्ट आप थिएटर्स में रिलीज कैसे कर सकते हो। उस फिल्म का तो रिसेप्शन इतना बेकार रहा था, एंड उसके बाद आई सुसाइड स्क्वाड। उस फिल्म को भी ऐसी एडिट किया गया था जैसे उनकी पिछली फिल्म्स एडिट हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का भी रिसेप्शन कुछ खास था नहीं। फिर आपका रिलीज होता है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, जो कि एक बेहतरीन एक ज़बरदस्त सुपर हीरो मूवी है। इतनी ज़बरदस्त मूवी बनाने के बाद वॉर्नर ब्रोस ने कहा हम इसके आगे और कुछ बनाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पर भी एक डेड एंड आ गया कहीं ना कहीं। और इतनी सारी फिल्म्स जो आई है इनका कहीं ना कहीं एक बेस सेटअप नहीं हो पाया है। जैसे मार्वल के बारे में बात करें, जो मार्वल का फेज़ 4 रहा है वो इतना खास रहा नहीं है, लेकिन आप बात करो फेज़ 1, 2 और 3 के बारे में, तो एक रीज़न वो फैन फॉलोइंग इतनी जो बनी है उनके फेज़ 1 में और फेज़ 2 में इस टाइप की फिल्म्स आई जो कि चली, उसका रिसेप्शन भी अच्छा रहा, एंड उसी के चलते फेज़ 3 में जो हमें बड़ी फिल्म्स देखने को मिली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, तो उसके लिए उन्होंने पहले एक बेस सेटअप किया था। लेकिन हर बार डीसी जब भी बेस सेटअप करने जाता है तो उनकी फिल्म हमेशा बेकार निकल जाती है, और कहीं ना कहीं वो एक जो फाउंडेशन है वो अधूरी सी रह जाती है। ब्लैक एडम इज अनदर अटेम्प्ट एट रिवाइविंग DCEU। सो क्या ये अटेम्प्ट वर्क करता है या नहीं करता? माई फर्स्ट थॉट्स आफ्टर वॉचिंग द फिल्म वॉज दैट इवन दो द फिल्म कम्स विद इट्स फ्लोज, इट स्टिल टर्न्स आउट टू बी अ डिसेंट टाइम पास फिल्म। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म नहीं है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म नहीं है। क्लीशेड स्टोरी है जो कि आपने पहले भी सुन रखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद उस मटेरियल का जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया, जिस तरीके से अप्रोच किया गया है, यू सिंपली डोंट गेट बोर्ड फॉर 2 आवर्स। फिल्म का रन टाइम बस 2 आवर्स का है, और ये फिल्म के लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये एक फास्ट पेस फिल्म है, जिन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखनी है कि जस्ट जाए और डिसेंट सा टाइम पास हो जाए, तो उन लोगों के लिए फिल्म ज़रूर वर्क करेगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज देखें तो कहीं ना कहीं फिल्म रस्ट लगती है। फिल्म की राइटिंग कुछ खास नहीं है, काफ़ी सारे करेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, होकमैन, डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर, साइक्लोन, एंड इनमें से डॉक्टर फेट इज़ अ बेटर रिटन करेक्टर एंड विंस यू। ड्वेन जॉनसन हमेशा इसी टाइप की फिल्म करते आए हैं। उनकी फिल्म्स जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टोरी कुछ खास होती नहीं है, लेकिन उसमें एक्शन अच्छा होता है, और कभी कभार फिल्म एंटरटेनिंग होती है, कभी कभार नहीं होती। लेकिन इस केस में फिल्म में डिसेंट टाइम पास मटेरियल ज़रूर है। ब्लैक एडम का जो करेक्टर ऑन पेपर देखा जाए तो एक ऐसा कन्फ्यूजन सा है कि वो विलेन है, हीरो है, क्या है, लेकिन उसको फिल्म में देखते हैं तो फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है दैट इज़ डिसाइडेड इन अ ब्लिंक। मैं जो चाहता था कुछ करेक्टर की डार्कर शेड देखने को मिले, एक करेक्टर आर्क देखने को मिले, भले ही फिल्म का 10-15 मिनट रन टाइम और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वैसा देखने को मिलता तो मज़ा आ जाता। फिल्म के सेट पीसेस ग्रैंड है, एंड जो डायरेक्टर का विजन है आपको देखकर पता लगता है कि कितनी मेहनत की गई है फिल्म पे। फिल्म के विलन के बारे में बात करूँ तो एक वीक विलन है, फाइनल शोडाउन भी बस ठीक ठाक सा है, कुछ अलग लेवल पे नहीं है। ऑल थैंक्स टू एक्शन एंड डॉक्टर फेट, क्लाइमैक्स भी सही लगता है, एंड फिल्म खत्म होने के बाद अपनी सीट से उठ के नहीं जाना, क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है फिल्म में, एंड दैट पोस्ट क्रेडिट सीन विल मेक यू जंप ऑफ योर सीट्स। परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो ड्वेन जॉनसन हैज अ करिश्मा, यू कैन ऑलमोस्ट सी इट इन एवरी ऑफ हिज रोल्स, लेकिन यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन एंड टोन पे पूरी फिल्म निकाल दी है, तो परफॉर्मेंस बस डिसेंट ही कहूंगा मैं यहाँ पे। पियर्स ब्रोसनन नेल्स हिज रोल। एल्डिस होज के बारे में बात करें तो फाइन परफॉर्मेंस है, एंड जितनी भी स्टारकास्ट होगी सबकी डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं।
Visual effects are fine and choice of score is apt too. Overall, to sum up my review, Black Adam doesn't bring anything extraordinary, but it turns out to be a decent time pass film for its merits. My rating for film is 3 stars out of 5 and film aapke nazdeeki cinema gharon mein lagi hui hai. अगर आपने फिल्म को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको फिल्म कैसी लगी. सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल.